नमस्कार, आज इलीगल माइनिंग के इशू पर बात करेंगे। यहाँ एक तरफ रियासी ज़िले की जनता माइनिंग के ब्लॉक्स खोलने को लेकर लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। लगातार ज़िले के हर एक कोने से माइनिंग खोलने की आवाज़ उठ रही है, मांग उठ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इलीगल माइनिंग की खबरें या फिर जानकारियाँ भी सामने आती रहती हैं। आपको बता दें कि माइनिंग के जो ब्लॉक्स खुले भी हैं उनके जो रेट्स हैं उसको लेकर भी काफ़ी लोगों का विरोध देखने को मिला था। इलीगल माइनिंग की अगर बात करें तो करीब डेढ़ हफ्ता पहले हमने रियासी के बारादरी पुल से कुछ दूरी पर एक स्टोरी की थी। उस स्टोरी के बाद 5 डंपरों को जब्त पुलिस ने अपने कब्जे में लिया था और उसके बाद DMO द्वारा करीब 67,000 का कुल चलान जो है उन 5 वाहनों को किया गया था। अब चलान कम किया गया या फिर इतना ही बनता था ये DMO ही जानते होंगे, माइनिंग डिपार्टमेंट ही जानता होगा। लेकिन हमारी जो खबर थी वो आपको बता दें कि उस लाइव वीडियो में जो रात को 12 बजे के बाद हमने बनाया था और BDC चेयरमैन रियासी परवीन बेगम भी वहाँ पर मौजूद थी और उसके साथ ही 3 जो पंच थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में उन लोगों ने ही इसकी जानकारी हम तक पहुँचाई थी और हम वहाँ पहुँचे थे और लाइव वीडियो बनाया था। उन तमाम लोगों ने इसकी जानकारी भी, पूरी जानकारी जिस तरह से ये माइनिंग होती है रात के अंधेरे में, वो जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई थी। उसके बाद पुलिस भी वहां पे पहुंची और 5 वाहनों को हमने देखा कि सुबह पुलिस स्टेशन रियासी के बाहर लगाया गया था, जिसके बाद जानकारी ये मिली कि इन पर कार्रवाई हुई है, इन्हें चलान हुआ है और उसके बाद उन्हें रात को छोड़ दिया गया था। अब जब DMO रियासी से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि कुल 5 वाहनों को 67,000 का चलान किया गया था। उन्होंने कहा कि एक वाहन में जितना भी मटेरियल होता है उसके 11 गुना जो है वो चलान किया जाता है। तो चलिए, चलान हुआ था, लेकिन हमारा सवाल ये है कि जब लाइव वीडियो हमने बनाया था तो उसमें काफ़ी और भी वाहन थे, यानी कि 5 वाहनों से ज़्यादा वाहन उस लाइव वीडियो में भी देखे जा सकते हैं। वो अनएडिटेड वीडियो था, लाइव वीडियो था और फेसबुक लाइव था, उसमें ज़्यादा वाहन थे। लेकिन 5 ही वाहनों पर कार्रवाई क्यों की गई? सिर्फ 5 ही वाहनों पर कार्रवाई हुई और इसके साथ ही 2 जो मशीनें थी वो भी वहां पर मौजूद थी, उन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस मार्फत SSP रियासी से भी हमने सवाल किया था माइनिंग के मुद्दे को लेकर, तो उन्होंने कहा था इस मुद्दे पर बाद में बात करेंगे। हो सकता है कुछ कार्रवाई उनके द्वारा की जानी हो, इसलिए उन्होंने इसका जवाब देना अभी सही नहीं समझा हो। लेकिन अब नया मामला जो है वो तहसील मोहर से सामने आया है और आपको बता दें कि तहसीलदार मोहर द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है और ये नोटिस जो होता है वो मोहम्मद अशरफ लोहार के नाम होता है। और आपको बता दें कि ये बताया जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेकिन जो नोटिस जारी होता है उसमें ये कहा जाता है कि इस शख्स के खिलाफ लोगों ने, और इसके साथ ही आपको पढ़ के एक बार बताना चाहेंगे, वियर एज दिस ऑफिस हैज़ रिसीव्ड ए नंबर ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम पब्लिक एंड पटवारी हल्का मोहर दैट यू हैव बीन एंगेज्ड इन इलीगल माइनिंग ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ RBM एट गंजोट एंड थराल फ्रॉम रिवर अंस, यानी कि थराल और गंजोट के इलाके से जो कि रिवर अंस का इलाका है उससे रिवर बेड मटेरियल स्टोन सैंड और बजरी की इलीगल माइनिंग में आप शामिल हैं, ये नोटिस निकाला जाता है। और ये कहा जाता है कि ये जानकारी जो है, ये शिकायतें जो हैं वो पब्लिक से और पटवारी हल्का मोहर से प्राप्त हुई हैं। लगातार शिकायतें आ रही थी, नोटिस तहसीलदार मोहर द्वारा निकाला जाता है और अब नोटिस में तमाम चीज़ें लिखी जाती हैं और किस इलाके में ये माइनिंग हो रही है वो भी हमने आपको बताया और रिवर अंस के जो रिवर बेड है वहाँ पर ये माइनिंग हो रही होती है, ये ऐसी शिकायतें मिली थी और नोटिस निकाला गया था तहसीलदार मोहर द्वारा। इसमें तमाम और भी बातें लिखी गई हैं, इसमें लिखा गया है कि वियर एज इन कंप्लेंट्स इट हैज़ बीन अलेज्ड दैट यू हैव डिप्लॉयड हैवी अर्थ मूवर मशीन एंड डंपर्स फॉर द इलीगल एक्सट्रैक्शन
सेल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आरबीएम, यानी कि जो मोहम्मद अशरफ हैं उनके द्वारा यहाँ पर रिवर अंस के बेड में हैवी अर्थ मूवर मशीन और डंपर्स भी लगाए गए हैं फॉर द इलीगल एक्सट्रैक्शन सेल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आरबीएम, यानी कि रिवर बेड मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन भी उसका किया जा रहा है, सेल की जा रही है और इलीगल माइनिंग भी की जा रही है। तो ये आरोप उन पर हैं, ये नोटिस निकाला गया था। इसके साथ ही ये भी लिखा गया था कि वेयर एज टू एसर्टेन द वीरेसिटी ऑफ एलिगेशंस लेवल्ड बाय पब्लिक अगेंस्ट योर इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज द अंडरसाइंड विजिटेड गंजोट, यानी कि जो तहसीलदार हैं उन्होंने दौरा भी किया और दौरे में भी उन्होंने पाया कि जो इलीगल माइनिंग है वहां पर वो हो रही है। इसके बाद ये लिखा गया था वेयर एज ड्यूरिंग माई विजिट अलॉन्ग विद माई स्टाफ आई फाउंड योर अर्थ मूवर मशीन एंड डंपर्स एक्सकेवेटिंग आरबीएम आई ऑर्डर्ड द ऑपरेटर द एक्सकेवेटर नेमली जावेद अहमद सन ऑफ मोहम्मद शफी टू स्टॉप इलीगल माइनिंग इमीडिएटली बट ही अलॉन्ग विद सम अदर गूंस मिसबिहेव्ड एंड फिजिकली ऑब्स्ट्रक्टेड माई स्टाफ फ्रॉम परफॉर्मिंग देयर लेजिटिमेट ड्यूटीज, यानी कि उन्हें ड्यूटी करने से रोका गया। जब वो मौके पे पहुंचे तो जो मशीन के ऑपरेटर थे उनके द्वारा या फिर उनके साथ के और लोगों द्वारा उन्हें अपनी ड्यूटी करने से रोका गया और मिसबिहेव्ड किया गया, ये लिखा गया है। इसके साथ ही लिखा गया है कि वेयर एज अंडर साइंड अगेन विजिटेड इलीगल माइनिंग साइट एट गंजोट ऑन 23rd ऑफ मई एंड फाउंड यूर मैन एंड मशीनरी लोडिंग डंपर्स एंड ट्रैक्टर ट्रॉलीज इन स्पाइट ऑफ ऑर्डर्स टू स्टॉप इलीगल माइनिंग ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आरबीएम, यानी कि जब 23 तारीख को तहसीलदार ने एक और विजिट किया तो तब उन्होंने पाया कि वहां पर उनके आदेश के बावजूद भी माइनिंग हो रही है, यानी कि माइनिंग जो है वो नहीं रुकी है। वेयर एज या गवर्नमेंट हैज़ अलाउड द माइनिंग ऑफ आरबीएम फ्रॉम द नोटिफाइड ब्लॉक्स थ्रू नोटिफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स ओनली वाइल द माइनिंग फ्रॉम द रिवर्स ऑफ तहसील मोहोर इज टोटली इलीगल एंड इज ए लूट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन ऑफ रिवर इकोसिस्टम, यानी कि गवर्नमेंट ने पूरी तरह से जो है जिन ब्लॉक्स को अनुमति दी गई है उन्हीं ब्लॉक से माइनिंग हो सकती है और जो जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को अनुमति दी गई है वही कॉन्ट्रैक्टर माइनिंग कर सकते हैं, ये कहा लिखा गया है इसमें। और उसके बाद आपको बता दें कि इस ऑर्डर में जो लास्ट में लिखा गया है देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ अबव सर्कमस्टांसिस एंड एविडेंसिस अगेंस्ट यू इट इज़ बियॉन्ड डाउट दैट यू आर इन्वॉल्वड इन इलीगल माइनिंग ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रिवर अंस एंड डिसओबेइंग एंड चैलेंजिंग द रिट ऑफ लीजिटिमेट अथॉरिटी बाय मीन्स ऑफ दिस नोटिस यू आर ऑर्डर्ड टू इमीडिएट स्टॉप इलीगल माइनिंग ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन एंड स्मगलिंग ऑफ आरबीएम फ्रॉम रिवर अंस एट गंजोट एंड अपियर बिफोर द अंडरसाइंड 19 मई एंड एक्सप्लेन वाई यूर मशीनरी इन्वॉल्वड शुड नॉट बी कन्फिस्केटेड अंडर सेक्शन 133 ऑफ CRPC फॉलोइंग विच इट शैल बी अज्यूम्ड दैट यू आर नथिंग टू से इन यूर डिफेंस। तो ये तमाम बातें कही गई हैं और आपको बता दें कि ये जो फोटो हैं दो फोटो ये भी प्रूफ के तौर पर सामने लाए गए हैं। और इसके बाद आपको बता दें कि जो चूंकि जवाब मांगा गया था मोहम्मद अशरफ से तो उन्होंने अपने वो जवाब भी दिया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जितने भी आरोप हैं वो गलत हैं, वो किसी भी तरह की इलीगल माइनिंग के काम में लिप्त नहीं है और उन्हें किसी भी तरह की इसकी जानकारी नहीं है और जो भी वाहन या मशीनरी वहाँ पर हैं वो उनके नहीं है, यानी कि जवाब भी उनके द्वारा दिया गया है। तो नोटिस जारी होना बेहद एक
सीरियस बात कहेंगे, क्योंकि अगर तहसीलदार ये नोटिस जारी करता है और ये जानकारी मिलती है कि लगातार जो शिकायतें थी वो मिल रही थी, जब मौके पर तहसीलदार मोहर जो हैं वो विज़िट करते हैं तो वो देखते हैं कि इलीगल जो माइनिंग है वो हो रही है, क्योंकि वहाँ पर ब्लॉक जो हैं अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, किसी को अलाट नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अंस रिवर में मोहर तहसील में गंजोट और एक अन्य इलाके में माइनिंग जो थी वो चल रही थी। नोटिस जारी हुआ, उसके बाद जिन पर आरोप थे उन्होंने भी अपना जवाब दिया और इन तमाम जो आरोप हैं उनको पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि जो मशीनरी है वो उनकी नहीं है और ना ही वो इलीगल माइनिंग करते हैं। तो ये अपडेट इलीगल माइनिंग या फिर माइनिंग के केस को लेकर है। तो अब देखना ये होगा कि जो जवाब दिया गया है अब उस पर जो तहसीलदार हैं वो कैसे साबित करते हैं, या डीएमओ इस मार्फत जब हमारी डीएमओ रियासी से बात हुई, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर रियासी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी ही वो ऑफिस आए हैं, पिछले कुछ दिनों से वो ऑफिस नहीं आ रहे थे निजी कारणों से। तो अब उनका ये कहना है, वो उन्हें नोटिस की जानकारी मिली है और उन्होंने भी अपनी तरफ से तहसीलदार को लिखा है कि पुलिस द्वारा एक्शन लिया जाए, या जो भी बातें उन्होंने ऑफिशियल तौर पर लिखी होंगी। तो अब देखना ये होगा, और डीएमओ रियासी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर रियासी ने ये बात भी कही है कि शायद वो अगले हफ्ते मोहर का दौरा भी करें और इसकी जांच भी करें। तो अब देखना ये होगा कि माइनिंग डिपार्टमेंट रियासी, तहसीलदार रियासी, पुलिस या फिर अन्य जो संबंधित डिपार्टमेंट है, फिशरीज़ का जो डिपार्टमेंट होता है उसका भी इसके साथ वाबस्ता होता है, वो तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं या फिर संबंधित अथॉरिटी जिसे इस बारे में कार्रवाई करने का अधिकार है, जो कि माइनिंग डिपार्टमेंट है और डीएमओ रियासी हैं, वो अब इस केस में क्या कार्रवाई करते हैं। माइनिंग तो वहाँ पर हो रही है और ब्लॉक अभी अलॉट नहीं हुआ है, तो उसे इलीगल माइनिंग ही कहेंगे, क्योंकि कुछ फोटोग्राफ भी सामने आए हैं, कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं और ऐसी जानकारियाँ पहले भी मिलती रही हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई बहुत कम देखने को मिली है, कोई बड़े पैमाने पर कार्रवाई देखने को नहीं मिली। अब ये किसकी शय पर हो रहा है, चलिए उम्मीद यही करते हैं, और इस लोकतंत्र में उम्मीद की जा सकती है। एक तो जो लोग हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि तमाम ब्लॉक्स खोले जाएं ताकि इलीगल माइनिंग का स्कोप जो है वो कम हो सके, रात के अंधेरे में होने वाली माइनिंग को पूरी तरह से रोका जाए चाहे वो कहीं भी हो, और जो रेट्स हैं जो ब्लॉक खुले भी हैं उनके जो रेट्स हैं वो कम किए जाएं, और सबसे महत्वपूर्ण बात इलीगल माइनिंग पूरे ज़िले रियासी में बंद होनी चाहिए, और ऐसे लोगों पर जो इलीगल माइनिंग कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और प्रकृति को काफ़ी नुकसान जो पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो तमाम वाहन हैं जो इलीगल माइनिंग में शामिल होते हैं उन पर भी भारी जुर्माना लगना चाहिए, या फिर ये पूरी तरह से जब्त हो जाने चाहिए, ताकि ये लोग कानून के खिलाफ जाकर इस तरह का कार्य ना कर सके। तो चलिए देखते हैं अब ये संबंधित डिपार्टमेंट और डीएमओ रियासी माइनिंग डिपार्टमेंट अब मोहर के इस केस में, मोहर तहसील के गंजोट और थराल के इस केस में क्या करता है, और क्या जो नोटिस जारी हुआ है उस पर क्या कार्रवाई होती है, और जवाब पर अब विभाग क्या कहता है, और जो विभाग ने जो तहसीलदार मोहर ने जो तथ्य जुटाए हैं या अपनी विजिट में देखा है उसके बाद क्या वाकई में अब मोहम्मद अशरफ के खिलाफ कार्रवाई होती है, ये तमाम सवाल हैं। इनका सवाल आने वाले समय में, इनका जो जवाब है वो आने वाले समय में मिलेगा। उम्मीद यही करते हैं कि इलीगल माइनिंग करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और हम भी इस मामले को लगातार उठाते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।